नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताना चाहता हूं। यह क्यों होता है और कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले तो यह जान लिया जाए कि कब्ज होता क्या है। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का मतलब है शरीर के अपशिष्ट या मल का आंतों में रुकना या पूरी तरह पेट साफ न होना। दोस्तों, स्वस्थ जीवन जीने की सबसे पहली शर्त अच्छी पाचन शक्ति और पेट की पूरी सफाई होती है। लेकिन कुछ कारणों से आजकल हर वर्ग के लोगों में कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है। कब्ज के लिए जो कारण सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो है हमारी आधुनिक जीवन शैली, जिसे आरामखोरी कहा जाता है। जी हाँ, शरीर को पर्याप्त व्यायाम न मिलने से, आंतों में पर्याप्त हलचल नहीं होने से पहले तो हमारी पाचन शक्ति प्रभावित होती है। पाचन बिगड़ने से पेट में गैस, एसिडिटी की शिकायत रहने लगती है, जिसका नतीजा कब्ज जैसी नामुराद बीमारी के रूप में देखने को मिलता है। कई बार तो कब्ज रहने से मल त्याग के समय में अधिक जोर लगाने से गुदा मार्ग से रक्त भी आने लगता है, जिसे बवासीर कहा जाता है। तो यह बात याद रखने वाली है कि पाचन खराब होने से कब्ज और कब्ज के कारण बवासीर जैसी घटिया और कष्टकारी बीमारी हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको कब्ज की समस्या है तो सबसे पहले आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। पहला काम जो कब्ज के मरीजों को करना चाहिए वो ये है कि सुबह का नाश्ता अवश्य करें, वो भी पेट भर के। याद रखें, आपका भोजन ज्यादा मसालेदार, खट्टा और तीखा ना हो, क्योंकि कमजोर पाचन शक्ति होने से शरीर ऐसे भोजन को पचा नहीं पाता और निश्चित रूप से गैस, एसिडिटी होकर ही रहती है। यदि आप हर सुबह खाली पेट एक या दो केला खाएं तो आपको जल्दी ही राहत मिल जाएगी। सुबह के समय पेट भर खाना खाना चाहिए, फिर दोपहर के समय थोड़ा कम भोजन करना चाहिए और रात के समय न कम न ज्यादा संतुष्ट होने तक भोजन अवश्य करें। कम खाना कब्ज पीड़ितों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि भोजन जब आमाशय से जल्दी नीचे चला जाता है उस समय खाली पेट होने के कारण गैस बनने लगता है, जो कब्ज को बढ़ाने का प्रमुख कारण है। यदि संभव हो तो शाम को भी खाली पेट एक या दो केले खा लेना बहुत लाभदायक होता है। ये तो बात हुई खाने की, अब बात करते हैं पीने की। तो दोस्तों, कुनकुने पानी का सेवन पाचन सुधारने और कब्ज से राहत दिलाने में बहुत उपयोगी होता है। अधिक गर्म पानी पीना ठीक नहीं होता, इसका परिणाम हानिकारक हो सकता है। इसलिए पानी इतना ही गर्म होना चाहिए जिसे आप बिना फूके, बिना जले आसानी से पी सकें। पानी को हमें एक ही सांस में ना पीकर घूंट घूंट करके पीना चाहिए, मानो चाय पी रहे हों। चाय से याद आया कि कब्ज के रोगियों का बहुत बड़ा दुश्मन चाय है। चाय पीने पर कब्ज की समस्या होती ही है, इसलिए चाय कॉफी से दूर ही रहें। दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन न करें। यदि दूध पीना अच्छा लगता है तो ठंडा दूध पिए, जिसमें पर्याप्त शक्कर मिली हो, वरना दूध का सेवन भी आपको बहुत बहुत परेशान कर सकता है। यदि आपको गैस ज्यादा बनती है तो रोटी का सेवन भूल से भी न करें। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये आदमी तो सारी अच्छी चीजें खाने पीने से मना कर रहा है, फिर खाएं तो क्या खाएं। दोस्तों, ऐसा मत सोचिए। अपनी पसंद का खाना पीना छोड़ना क्या होता है, इसका मुझे पूरा एहसास है, लेकिन बीमारी की अवस्था में अच्छी चीजें भी जहर का काम करती हैं, इसलिए उनसे परहेज करना जरूरी हो जाता है। पहले अपनी सेहत को सुधारना जरूरी है, उसके बाद मुंह के स्वाद पर ध्यान देना चाहिए। खैर दोस्तों, हम बात कर रहे थे पीने की, तो पानी कभी भी खड़े खड़े ना पिए। खाना खाने के बाद 2-3 घूंट से ज्यादा पानी ना पिए। खाना खाकर बिल्कुल भी पानी ना पीना ठीक नहीं है, इससे आपका खाया हुआ भोजन सूख जाता है, जो कब्ज को बढ़ा देता है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी आराम से पी सकते हैं। दोस्तों, पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बहुत सारा पानी एक साथ ना पीकर थोड़े थोड़े अंतराल में 3-4 घूंट पानी पिए। ऐसा करने से कब्ज की समस्या दूर होती है, क्योंकि लगातार पानी मिलने से पेट में गैस नहीं बन पाता, जो पाचन तंत्र को अवरोधहीन बनाकर रखता है। खान पान का तरीका सुधारने पर आपको अपनी सेहत में बहुत जल्दी सुधार देखने को मिल जाएगा। फिर भी यदि आपको कुछ ज्यादा ही समस्या है तो डाइजिन नाम की गोली आप खाना खाने के बाद खाएं। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। रात को सोने से पहले अपनी नाभि में 2-3 बूंदें शुद्ध नारियल के तेल की गिराएं। यह आपकी नाभि के रास्ते आपकी आंतों में समाता है, जिससे उसकी चिकनाई बढ़ जाती है, जो मल को बाहर धकेलने में बहुत सहायता करता है। यह तरीका बहुत बहुत कारगर है, एक बार आजमा कर देख लीजिए, मेरी तारीफ जरूर करोगे। पेट साफ करने वाले या गुड़गुड़ पैदा करने वाली दवाइयों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि उनसे लाभ कम और हानियां ज्यादा होती हैं। इसके अलावा
भुने हुए चने भोजन के बाद या खाली पेट खाने से कब्ज नहीं रहती। अमरूद खाने से निश्चित रूप से पेट की सफाई होती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि खान पान का ध्यान रखते हुए, बासी, खट्टे, तीखे, मसालेदार चीजों से परहेज करते हुए और शरीर को पर्याप्त व्यायाम देकर, व्यायाम का अर्थ कोई जोरदार कसरत करना नहीं बल्कि पर्याप्त चलना फिरना है, सैर करना है। सुबह शाम सैर करने से निश्चित ही आपको कब्ज की मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। तो ऐसा करके आप कब्ज को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने मन को संयमित रखिए, परहेज और परिश्रम कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि दूसरे मरीज भी इसका फायदा उठा सकें। जय हिंद।